तो जी रात हम रुक गए थे नैना देवी में ही, यहीं पे हमने होटल ले लिया था। और अभी सुबह का टाइम है और हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। ये पीछे पापा तैयार हो रहे हैं, मम्मी, ये हमारा छोटा क्रिदू, तैयार हो चुके हैं सब लोग। और देखिए, आइए आपको रूम के बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये बालकनी से जो नज़ारा है, ये नीचे की साइड में सारा जो आनंदपुर साहिब का जो एरिया है, इस साइड में, बैक साइड में सारा आनंदपुर साहिब का एरिया, पंजाब वाला एरिया। और ये इधर अपना, ये नैना देवी, ये इधर जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको सामने, इस साइड में ये गोविंद, बहुत अच्छा व्यू है, गोविंद सागर लेक है, जो भाखड़ा डैम की वजह से जो लेक बनी है गोविंद सागर लेक, ये इस साइड में ये वो सारा व्यू है। और यहाँ पे ये रोपवे है, अगर जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो कोई बस से आए हैं तो वो बसें नीचे तक आती है और नीचे से रोपवे से यहाँ पे लोग आ सकते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, ये देखो जरा, क्रिदु दादू की पीठ पे चढ़ के, हाँ, ये भाई क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे इधर बता, भाई कर ला, क्या कर रहे हो क्रिदु, क्या कर रहे हो भाई, किसको भाई कर रहे हो, दादू को भाई। तो यही है नज़ारा सारा यहाँ का। और अभी बस हम यहाँ से खाना वाना खा के निकलेंगे और आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले स्टॉप पे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और अब भूख लग गई है हमें, तो चाय नाश्ते के लिए आए हैं इधर। ये एक छोटा सा ढाबा है, वैष्णो ढाबा, लक्ष्मी वैष्णो ढाबा। तो इधर आए हैं खाना वाना खाने, देखते हैं कैसा लगता है यहाँ का खाना। भूख लगी है ज़्यादा नहीं, थोड़ा तुझे लगी है। हाँ जी मैम, आप बताओ क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे जी, आप क्या खाओगे जी, आप कुछ नहीं खाओगे हैं, आप कुछ नहीं खाओगे। तो ये गर्मा गर्म परांठे आ चुके हैं, तो जी खाना हो गया फिनिश, अब हो जाए थोड़ी सी चाय, गर्मा गर्म चाय। तो जी चाय नाश्ता हो चुका है हमारा अभी, और ये मैं ऊपर आया था थोड़ा सा, एक ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे, ये इधर से वो सामने देखिए, थोड़ा सा पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से चीज़ें क्लियर नहीं है। इस साइड में ये जंगल है, पहाड़ियाँ वगैरह हैं, और वो सामने जो दिख रहा है थोड़ा धुंधला धुंधला, वो है गोविंद सागर लेक, जो कि भाखड़ा डैम की वजह से जो लेक बनी है पहाड़ों के बीच में, वो है गोविंद सागर लेक। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है पहाड़ों में भी आजकल, तो व्यूज़ उतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा धुंधला धुंधला है। बट ये मान के चलिए, ये जो खाली जगह दिख रही है पहाड़ों के बीच में, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट, ये सारा जो है ये गोविंद सागर लेक है। अगर पोल्यूशन नहीं होता, थोड़ा दिन क्लियर होता, तो बहुत अच्छा व्यू आता यहाँ से, बट ऐसा ही व्यू है। तो अब हम चल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम जाएंगे चिंतपूर्णी की तरफ। तो आगे की जर्नी के लिए मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। तो जी फाइनली नैना देवी से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग चिंतपूर्णी की तरफ यहाँ से। और अब चिंतपूर्णी का रास्ता जो है आपको हम दिखाएंगे पूरा घुमाते हुए। नैना देवी से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पे है चिंतपूर्णी। यहाँ से एक्चुअली 2 रास्ते निकलते हैं, एक वाया नंगल डैम होते हुए और एक वाया भाखड़ा डैम होते हुए। तो जो नंगल डैम वाला रास्ता है वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, और जो भाखड़ा डैम वाला रास्ता है वो तकरीबन 3 घंटे का है, 3.75 घंटे का। तो क्योंकि हमें भाखड़ा डैम देखना था, तो इसलिए हमने भाखड़ा डैम वाला रास्ता चुना है। तो चलते हैं अभी, अब आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी हमारी। तो जी हम लोग अभी नैना देवी से चिंतपूर्णी की तरफ जा रहे हैं। तो ये बीच में जो है हम पहुंचे हैं अभी भाखड़ा डैम,
तो ये देखिए जरा कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे भाखड़ा डैम का। मैं अगर थोड़ा सा आता हूँ आपको, ये देखिए, ये वहाँ पे बेसिकली जो मेन डैम है वो वहाँ पे है, और उस डैम को बनाने की वजह से जो झील बनी है इसका नाम है गोविंद सागर लेक। तो देखिए आप कितनी बड़ी झील है ये गोविंद सागर लेक, मतलब जहाँ तक दूर दूर तक नज़र भी नहीं जा रही है। एक्चुअली पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, बाकी नहीं तो दूर दूर तक नज़र भी नहीं जा रही है जहाँ तक। ये बहुत बड़ी लेक है ये गोविंद सागर लेक, मतलब बीच में देखिए ये किश्ती चल रही है, और इसका पानी बिल्कुल एकदम शुद्ध और निर्मल, एकदम नीला पानी है, ब्लू वाटर। मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना खूबसूरत और कितना ज़्यादा निर्मल जल है ये। थोड़ा नीचे रास्ता नहीं है जाने के लिए, नहीं तो हाँ अभी कोई और अच्छा व्यू पॉइंट दिखेगा तो वहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा इसके नज़ारे। ये देखिए ज़रा, ये पापा मम्मी ज्योतिका और ये हमारे छोटे साहब किद्दू जी, हृदय शर्मा भाई, हृदय शर्मा भाई। तो देखिए इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, मतलब मन कर रहा है कि बस यहीं पे पेड़ के नीचे चारपाई लगाओ और इधर ही सो जाओ, इतना सन्नाटा यहाँ पे, शांति यहाँ की। कर रहे हैं, मैं दो मिनट के लिए चुप करूंगा, आप यहाँ का शांति देखना यहाँ पे कि कितनी शांति है। यहाँ की जो शांति है, जो सन्नाटा है यहाँ का, उसको आप फील कर सकते हो। गोविंद सागर लेक नंगल डैम। तो जी अब चिंतपूर्णी पहुंचने वाले हैं, और 10 से 15 किलोमीटर बचा है अब तकरीबन चिंतपूर्णी यहाँ से, और रास्ता देख सकते, बहुत सुंदर रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है पूरा। आहा कितना सुंदर घर है ये तो, वाओ इतनी सुंदर लोकेशन पे इतना प्यारा घर, किसका है पता नहीं, और बहुत सुंदर है। तो जी चिंतपूर्णी पहुंच चुके हैं अब हम लोग, और देख सकते हैं आप जरा ये मंदिर को रास्ता जा रहा है, सामने मेन गेट बना हुआ है, मुख्य द्वार जो है मंदिर का, माता श्री छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी, शहीद कैप्टन अमोल कालिया स्मृति द्वार। बस यहाँ से अब तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे आगे मंदिर है। पार्किंग इधर है, और मंदिर कितनी दूर है? अच्छा इधर है, अब जलगढ़ लंदे गड्डी सीधी है। इधर कौन सी पार्किंग है भाई? मंदाखला मंदिर तक गड्डी जाती है। हां तो आगे मंदिर तक आगे
तो ये पार्किंग है ना। पार्किंग रेट ये कितनी देर का पार्किंग रेट है? 124। इस पार्किंग का नाम की है एमआरसी। वो सस्ती है आपकी 50 के साथ में पार्किंग है। अच्छा पहला क्यों नहीं दसिया? क्योंकि मंदिर के पास में पार्किंग नहीं होती, गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है, इसलिए गाड़ियां नीचे मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर पहले पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती हैं और फिर वहां से टैक्सी लेके आगे जाना होता है। तो रास्ता कुछ इस तरह है। पहुंच गए हैं चिंतपूर्णी और वो सामने माता का मेन मंदिर है। यहाँ से ये दुकानें हैं इधर जहाँ पे हम लोग चप्पल उप्पल खोल के और यहीं से सीढ़ियाँ ऊपर बना रखी हैं और यहीं से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। तो ये राम से राम से राम से जय माता दी। जय माता दी। ये पीछे से दूसरा रोड आ रहा होगा ना कोई जलंधरियाँ दी हट्टी। जय माता दी। ये रास्ता किधर से आ रहा भैया? तो हम तो इधर से आए, फिर ये इधर से कहाँ से? गाड़ी वाले ने इधर लेके आया इधर? तो मतलब इधर से आना हो तो कैसे आना फिर? नीचे से है। अच्छा लंबा पड़ता है ये? लंबा पड़ता होगा फिर। कितनी कर दूर है? हाँ जी भैया कितनी कर दूर है मतलब मंदिर? अच्छा अच्छा जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कौन सा
फाइनली हम लोग चिंतपूर्णी माता के दर्शन कर चुके हैं और आप देख सकते हैं ये मंदिर मेरे पीछे, ये सारा मंदिर है, ये बरगद का पेड़ है और ये बैक साइड में ये पूरा मंदिर है, पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स। ये जो चिंतपूर्णी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ऊना से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ये ऊना से आम्ब की तरफ जो रास्ता जाता है ये उसी जगह में पड़ता है। तो काफ़ी सुंदर एरिया है, काफ़ी सुंदर मंदिर है ये बना हुआ माता का। और माता सती के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक ये मंदिर भी है और यहाँ पे उनको छिन्नमस्तिका नाम से पूजा जाता है। तो यहाँ पे जो माता की जो मूर्ति है, जो माता का जो दर्शन है, वो छिन्नमस्तिका माता के नाम से है। तो देख सकते हैं आप ये पूरा मंदिर, ये यहाँ पे लोग श्रद्धालु वगैरह घूम रहे हैं।